हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सॉरी, हम आप लोगों से वादा तो करते हैं कि हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। तो आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी जगह लेके चलते हैं। तो ये है श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल, और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देखना, इसमें उस दिन, एक तो हम उस दिन गए थे जिस दिन जो हमारा ये राम मंदिर का फैसला आने वाला था, हम उस दिन गए थे। तो उस दिन थोड़ा ये भीड़ कम थी, उस दिन ज़्यादा लोग नहीं थे। ये पुणे में ही पड़ता है, कात्रज नगर में। तो बहुत अच्छी जगह है, यानी कि आप देख सकती हैं, बाहर का लुक देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि अंदर से कितना अच्छा होगा। तो उस वजह से उस दिन भीड़ कम थी, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। ये ऐसी, ये देखिए सब, आपको जो ये हम आपको दिखा रहे हैं रंगोली, ये सब दालों से बनाई गई है। ये ग्रीन किसने दाल, बनाया? दाल से? और यानी कि हर कलर की दाल इसमें यूज की गई है। और हमने पूछा भी उनसे कि किन्होंने किसने बनाई बनाया? है, तो जो यहाँ पे सेवा करती हैं, झाड़ू वगैरह लगाती हैं, ये उन्होंने बनाई है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कलाकारी की है। साबूदाना इसमें यूज किया है, अरे रुको, और एक मिनट। क्या बोलते हैं उसको, मतलब हर तरह की दाल है इसमें, मसूर की दाल, ग्रीन दाल, ब्लैक दाल। तो देखो, दालों से देखिए, हमने चावल पूरा वीडियो बनाया बनाया इसने। है यहाँ से, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बीच में ये पैर हैं, जो ये कान्हा जी के पैर हैं, जिनमें थोड़ा सा पानी था। उस दिन थोड़ी धूप ज़्यादा थी। यहाँ पे स्लीपर वगैरह उतारते हैं, फिर उसके बाद ऊपर मंदिर में जाते हैं। तो आपको ऊपर का तो नज़ारा दिख ही रहा होगा। सॉरी, थोड़ा अंदर से वीडियो नहीं बना पाए हम, क्योंकि थोड़ा अलाउड नहीं था वहाँ पे। वैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम दर्शन के लिए आए हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी वीडियो पे ध्यान दें। तो हमने बस अपने यानी कि ठाकुर जी को मन से ही याद करना चाहा। तो अभी आप देखते हैं कि कितनी धूप है, धूप में बहुत, पर अच्छा लगा कि मैंने थोड़ा अपना वीडियो बनाया। अभी क्या है कि हम फ़ोटो खींचते हैं तो वीडियो पे ही बटन दबता है। अभी मैं फ़ोटो खींच रही थी, लेकिन मेरी वीडियो बन गई। सॉरी, धूप इतनी थी कि आंखों को बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अभी हम ऊपर जाएंगे, मैंने साइड से भी बनाया है जितना हम बना सके, लेकिन थोड़ी थे लोग, लेकिन बहुत कम थे। शाम के टाइम ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन हम सुबह के टाइम ही चले गए, क्योंकि शाम को कुछ काम था। तो इस वजह से हम सुबह ही हमने ये ख़त्म कर लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है पुणे में, यानी कि हम हर हफ्ते भी जाएं तब भी यहाँ की जगहें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एक तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि सुनो, मुझे गाड़ी में ज़्यादा इधर आओ, दिक्कत देखो। होती है, और हम बाइक से जाते हैं तो फिर हम सब चार लोग आ नहीं पाते। तो इस वजह से मैं कम ही घूमना पसंद करती हूँ। लेकिन मैं हस्बैंड की गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये हर हफ्ते का ही प्लान होता है हमारा घूमने का। तो यहाँ भी गाड़ी से आए थे, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे अपनी एक तो गोली लेके चलना पड़ता है, टैबलेट लेके, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। अभी हम थोड़ी देर वहाँ से मंदिर में घूमने के बाद थोड़ा सा इसकी म्यूट कर हमने देगी ना तू? पार्क में बैठ गए थे। तो यहाँ पे हम दोनों सब बातें कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि तूने वीडियो तो नहीं ऑन की, क्योंकि हम बातें भी कर रहे थे। चलो, वंश अभी वंश परेशान परेशान है, क्योंकि वंश की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी उस दिन। वंश को कोल्ड हो गया था, तो ये अपनी जैकेट पहन के गया था। वैसे काफ़ी धूप थी, उसके बाद इसने उतार दी। यहाँ पे भी धूप थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई थी। तो अभी हम, ये थोड़ा सा गलत जुड़ गया है, अभी हम घर जा रहे हैं, तो ये बीच में मेरे से वीडियो जुड़ गई है। तो यहाँ पे ये मंदिर आ गया, सॉरी, हम घर इधर जा देख रहे थे। तो ये यहाँ से बाहर वाला सीन है। ये मैंने ऐसी ड्रेस पहनी थी, बस। प्लाजो, और तुम यानी तो कि ऐसी जो मुझे पे अच्छा लगा मैंने पूरा इसका अच्छा सा लुक बना लिया। ऊपर जैकेट पहन ली, नीचे कुर्ती पहन ली, फिर प्लाजो पहन लिया, तो अच्छा लुक दे रही थी। फिर दुपट्टा भी ले लिया। और ये इसके पास ही, आसपास ही सोसाइटियाँ भी बनी हुई हैं, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिखा। और देखिए, ये जो मंदिर है अंदर से, इसको इतनी बारीकी से बनाया हुआ है कि बहुत ही अच्छे से इसको तराशा गया है। जैसे कि हमारा राम मंदिर बनेगा, उसका जो वो नक्शा दिखाया गया है, सेम उसी का दूसरा रूप है ये मंदिर भी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत साफ सफाई का इतना ध्यान दिया गया है कि आप लोग देख ही सकते हैं। ऐसे मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें जैसे हमारे साइड, हमारे हरियाणा साइड होते हैं, जो उधर आप देखते हो कभी, अगर होगा कोई वहाँ का, तो
मथुरा वृंदावन में कितना कुछ भी, अब तो खैर हर जगह ये चीज चल गई है कि ज्यादा कुछ वो चढ़ाने वढ़ाने नहीं देते, लेकिन कई मंदिरों में क्या होता है कि लोग सब कुछ चढ़ा देते, इतना पूरा पानी वानी फैला के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, एकदम अच्छा लगा हमको तो। और विदेशी लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पे, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हम आगे की भी और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए। जो हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं इस चैनल को चलाऊँ। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाती रहूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों को ये मंदिर पसंद आया है। जिन लोगों को भी ये मंदिर पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, जो भी इस वीडियो को देखे, तो प्लीज़ एक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि हम फिर और भी जगह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हम और भी जगह जाके वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैंने जितने में आवाज़ भरनी थी आप इंजॉय कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप इंजॉय करना। फास्ट अच्छा था। उसमें क्या अच्छा लगा आपको? वैसे दोनों ही अच्छे थे मेरे हिसाब से, था बट उसमें क्या बेटर था बताओ? भीड़ थी अच्छी? अच्छा उसमें कथा वगैरह हो रही थी इसलिए, उसमें प्रसाद मिला इसलिए। चलो इस्कॉन चलो। Thank you.